हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, हमारी स्वेटर कंप्लीट हो गई है और ये बाजू भी कंप्लीट हो गया है। तो हम यहाँ पे ये देखिए, बाजू को स्वेटर में किस तरह से ज्वाइंट किया जाता है तो आपको दिखाएंगे। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिए कैसा लगा। न्यू हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हम ये देखिए, ये है रॉन्ग राइट साइड, और रॉन्ग साइड से हम यहाँ पे बाजू ज्वाइंट करेंगे। बाजू की सिलाई कैसे करेंगे तो आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, ये भी हमने रॉन्ग साइड से और बाजू भी हमने ये रॉन्ग साइड से। तो ये देखिए, हमें यहाँ से जो यहाँ पे यहाँ तक हमारी स्वेटर की सिलाई हुई है, वहाँ से हम बाजू ज्वाइंट करेंगे। तो हम किस तरह से बाजू ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से और ये यहाँ तक, ये वाला कोना यहीं तक होना चाहिए, तभी हमारी बाजू की सिलाई सीधी आएगी। तो हमें सिलाई करते करते हम कहाँ पहुँच जाते हैं ये हमें कुछ पता नहीं होता है, इसके लिए हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। और इसके सामने ये देखिए, हम यहाँ पे इसके सामने हम सिलाई भी लगा सकते हैं और फिन भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इस कोने तक, इस कोने तक सिलाई करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे सिलाई ले ली है। तो हम यहाँ पे सिलाई भी रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये देखिए, इस किनारे पे हमने पिन लगा दी है। ये देखिए, पिन लगाने के बाद हम सिलाई करेंगे। तो पिन हमने ये यहाँ पे क्यों लगा रखे हैं, ये देखिए, हम पिन लगाएंगे तो हम यहाँ पे सिलाई करते करते यहाँ कहाँ पहुँचे थे हमें कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे बराबर में पिन लगा लिया है। तो यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक बराबर बराबर में हमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए, हम किस तरह से सिलाई कर रहे हैं। एक तरीका तो हम जैसे ये पिन लगा रखा है, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका, हमें कभी पिन नहीं मिल पाती आसानी से, तो हम इससे भी, ये अपने पास सिलाई होती है तो इस सिलाई से भी हम इस तरह से रख सकते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि हम यहाँ तक सिलाई करेंगे। इसके लिए हमने ये दो ट्रिक अपनाए हुए हैं। तो हमारी ट्रिक कैसे लगी जरूर बताइए। तो ये देखिए, हम यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से गांठ लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, हम यहाँ पे इस तरह से गांठ लगाएंगे। ये दो गांठ लगाएंगे क्योंकि हम इस गांठ को इस तरह से नहीं निकल सके। तो हमने गांठ लगा लिया है, उसके बाद हम यहाँ से सिलाई करेंगे इस कोने से, ये देखिए इस तरह से। सिलाई हम कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपनी मुंह की तरफ सुई हमेशा मुंह की तरफ लिया है, ये इस तरह से,
तो पिछली वीडियो में हमने बताया कि यहाँ से उधर को सिलाई कर रहे थे, तो अपने हिसाब से आप एक तरफ से कहीं से भी कर सकते हो और एक तरफ से ही हमेशा सिलाई आनी चाहिए। जैसे इसी का नोक जो हमारी मुंह की तरफ है तो हमेशा इसी तरह से सिलाई करेंगे। अगर हमारा ये सुई का नोक उधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह से, तो हमेशा इसी तरह से सिलाई करनी पड़ेगी, तो हमारी सिलाई बहुत अच्छी से फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए हम इस तरह से, तो हम इसमें अपनी मुंह की तरह सिलाई कर रहे हैं, तो हमेशा इसी तरह से सिलाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये सिलाई करनी चाहिए। सबसे आसान तरीका है कि ये एक तरफाई जो सुई की नोक होती है, एक तरफाई हमेशा इसी तरह से लेना चाहिए। तो हम ये देखें, इस तरह से अब यहाँ पे जो पिन लगा रखा था हमने बराबर में पहुँच गए, उसको निकाल लेंगे। तो हम इस तरह से हाँ घुमा के इस सिलाई करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे जो हमारे ये सामने ये होता है, कभी हमारी बाजू छोटी पड़ने लग जाती है। से छोटी तो नहीं होती है, कभी कभी हमें लगता है कि बाजू छोटी हो रही है और इसमें जो सिलाई सिलाई ये सिलाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो ये हम सिलाई ले रहे हैं ये किनारे पे, यहाँ से जो ये बड़ा लग रहा है ना, तो इसमें हमें नहीं आ पाता है, तो इसलिए हमें किस तरह से सिलाई करनी चाहिए, तो हमें इस तरह से सिलाई करनी चाहिए जैसे कि जो ये वाला भाग है जो कम लग रहा है वो वाला भाग हमें खींच खींच के सिलना चाहिए, और जो बड़ा लग रहा है उसको हम नहीं खींचेंगे, और जो हमें छोटा लग रहा है उसको हमें इस तरह से खींच खींच के इसके साथ हम सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से सिलाई करने से हमारी बाजू में अच्छी फिनिशिंग आती है इस तरह से। तो हम ज़्यादा भाग इसका लेंगे और कम भाग इसका लेंगे, तभी है हम